मान ली, इतनी जल्दी हार मान ली मोमिन मलिक साहब ने, एप्लीकेशन दी कि भाई चार्जशीट क्यों पेश नहीं हुई। फर्दर उसके बाद 26 तारीख हुई, पुलिस ने उस एप्लीकेशन पर डिटेल रिपोर्ट भी दी है। सीमा के लीगली डॉक्यूमेंट्स में उसका हस्बैंड गुलाम हैदर है। सीमा की अब तक शादी नहीं हो रही है सचिन के साथ लीगली तौर पर, वो जो भी एक्टिविटीज कर रही है इलीगल कर रही है। अब जुडिशरी सिस्टम इंडिया का ऐसा है कि देर होती है लेकिन जस्टिस मिलता है। हमने इतना कुछ किया सीमा के साथ, इतना हमने उसको टॉर्चर किया, तो जाहिर सी बात है वो भी तो कुछ करेगी ना, उसका भी तो वकील है ना, वो भी तो कुछ कोशिश करेगी हमें टॉर्चर करने के लिए। तो उसने वो एनिवर्सरी मना ली, लेकिन उसने जो काम किया है वो भी उसके ऊपर आएगा बहुत जल्द। लॉ उसकी तरफ नहीं है, लॉ इंडिया का जो कानून है, इंडिया की अदालतें हैं जो है वो गुलाम हैदर के साथ है। मैं एक वकील और स्कॉलर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि कानून के शिकंजे में वो आ चुकी है, उसको ना नागरिकता मिल सकती है, ना सिटीजनशिप मिलेगी, ना उस का रिश्ता होगा सचिन के साथ जब तक। हाँ एक तरीका है, वो इंडिया की सजा काटे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद निकले, उसके बाद डिपोर्ट हो पाकिस्तान, उसके बाद वो दोबारा हैदर से पाकिस्तान की अदालतों में खुला ले और फिर लीगल तरीके से इंडिया जाए और जो उस पर प्रीवियस केसेस थे उनको माफ करवाए। फिर भी मुश्किल है, फिर ये तरीका भी इतना आसान नहीं है। फिर 7 साल 6 साल रहे फिर भी नहीं मिलेगी बिकॉज शी इज मुस्लिम, तो ये भी तरीका नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई कानून है, कानून के खिलाफ कोई भी चीज नहीं जाएगी। ये आपके योगी और मोदी जी जो है ये भी कानून के तहत ही प्राइम मिनिस्टर है। मोदी किसके तहत प्राइम मिनिस्टर है? मोदी जी कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर है, संविधान के तहत प्राइम मिनिस्टर है। और आपके ये जो सीए है सीमा इतनी खुश हो रही है, वो इसके तहत भी नहीं बन सकती नागरिकता। एनिवर्सरी मना रही है इलीगल है, शादी करके दिखाए, उसने एक वीडियो छोड़ दी, सब बैठ गए कि भाई हम डर गए, हम हार गए, बस अब केस हाथ से निकल गया। तो आपसे ज्यादा बहादुर तो सीमा है। तो गुलाम हैदर के सपोर्टिव सिस्टम बने हुए हैं अभी, तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं आपसे ज्यादा तो बहादुर सीमा है, उसके साथ क्या नहीं किया। आज इंटरव्यू देखा था आपने, लाइव इंटरव्यू था शायद कल का था, सीएए आने के बाद सचिन सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये हमने क्या कर दिया। वहां पे सीमा ने खुद एक्सेप्ट किया है, तो इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो आप? कितने इलेक्शन हुए हैं मोदी साहब के जिसमें वो परेशान रहे हैं कि शायद वो हार जाएंगे लेकिन फिर वो जीत जाते हैं। इसी तरीके से हार कभी नहीं, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हक पे हो, आप राह पर हो, रास्ता आपका साफ है, तो आपको हार नहीं माननी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है मोमिन मलिक साहब, मजाक बात थोड़ी है, राइट पे हैं, राइशियस केस है उनका। सीमा की मंजिल सजा ही है और डिपोर्ट ही है और कोई रास्ता ही नहीं है सीमा के पास। बिला वजह आप आके परेशान हो गए हो सब। कह रहा हूं ना मैं कानून के मामले में कभी कोई गलत बात नहीं करता। हाँ एक कंडीशन है, अगर भाई नहीं होता तो इसका मतलब आपके पास जुडिशरी है ही नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर ही नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी जुडिशरी योगी जी और मोदी जी और बीजेपी चला रही है, जजेस भी बीजेपी चला रहे हैं। फिर तो आपको पता है ये इंटरनेशनल मीडिया में क्या कहा जा रहा है इंडिया के नाम पर? अल जजीरा देखें, दूसरे चैनल्स देखें, वहां पे कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, ये जो सिटीजनशिप है इसमें मुस्लिम